नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आप अपना परिचय दोगे? ओके सर। हाँ, आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम है करमीत सिंह। अच्छा, अपने मोबाइल नंबर और बता दीजिए सर आप। हाँ जी सर, मेरा नाम मोबाइल नंबर है 9781429297। अच्छा सर, अभी सर जैसे आपने हमारा मैक्स जिस खेत में डला है वो प्लॉट आपने घूम के देखा हुआ है, आपको मैक्स का रिजल्ट किस तरह का लगा सर? सर मैं दूसरे खेत के मुकाबले में जो प्लाट देखा है आपका, इसके बीच में घूम के देखा है, अच्छा, कि मुझे लगभग 95% मुझे संतुष्टि है। अच्छा जी, प्लाट देखने के बाद बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला है। अच्छा मिला है, ठीक है सर। तो जैसे मैक्स के बारे में मैं एक दो बातें आपसे बताऊंगा और पूछना भी चाहूंगा। ओके सर। मैक्स का प्रयोग सर हम जिस खेत में करते हैं वो बिजाई के, कनक की बिजाई के 24 घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए। ओके, तो क्या आप बिजाई के 24 घंटे के अंदर अंदर मैक्स का स्प्रे कर पाओगे? देखो सर, जब हम 3540 दिन के बाद करते हैं, हाँ जी, तो कनक थोड़ी बड़ी होती है, हाँ, वाहन गिल्ला होता है, हाँ हाँ, तो कई तरह की प्रॉब्लम आती है। अच्छा जी, जब हम शुरू में 20 दिन 24 घंटे में, हाँ, इसका स्प्रे करेंगे, हाँ जी, तो खेत समतल होगा। अच्छा, तोड़ने में कोई स्प्रे करने में मतलब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यानी हम बड़ी अच्छी तरह मतलब ये स्प्रे कर सकते हैं, कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है सर, और एक बात और है सर, जैसे मैक्स जिस खेत में आप इस्तेमाल कर रहे हो वो खेत आपका बिल्कुल समतल होना चाहिए और उस खेत में मतलब साफ सुथरा भी होना चाहिए, पराली के फाने खम्बल वगैरह नहीं होने चाहिए। तो क्या आप अपने खेत को समतल और साफ सुथरा करके मैक्स का इस्तेमाल कर सकते हो? देखो सर, हमारे जहाँ के जो खेत है वो बड़े ही समतल है। अच्छा जी, लेजर वगैरह लगा हुआ है। अच्छा, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, जो हमारे पास मतलब कि बड़े आधुनिक संद है, अच्छा जी, ट्रैक्टर है तकड़े तकड़े, अच्छा जी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके मतलब के साफ करने में, मतलब एक बार और मतलब के वाके पद्धर करके बिल्कुल। अच्छा, तो प्रॉब्लम नहीं है इसकी। ठीक है सर, और सर मैक्स का रिजल्ट है ना, आप अगर 20 दिन से पानी लगाते हो तो और अच्छा मिलता है आपको। ओके सर, तो 20 दिन में पानी लगाने में सर क्या आपको कोई प्रॉब्लम आएगी या आप लगा पाओगे? देखो सर, वैसे हम 25 और 27 दिन के बाद में पानी लगाते हैं। अच्छा जी, ये 5-4 दिन पहले लगाएंगे, हाँ जी, और इसका रिजल्ट अच्छा आएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पानी लगाने में, यानी लगा पाओगे? लगा पाएंगे। ठीक है सर, अभी जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, पहला पानी जिस टाइम हम लगाते हैं हो सकता है आपके कनक में हल्का पीलापन आ जाए और वो अपने आप ठीक भी हो जाता है। ओके, क्या आप फिर भी मैक्स का इस्तेमाल करोगे? देखो सर, मैं 12-13 साल से खेती कर रहा हूँ। हाँ जी, जब पहला पानी लगाते हैं, हाँ जी, तो हल्का पीलापन आता है। अच्छा जी, और 10 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, तो जेकर मैक्स स्प्रे करने के बाद भी ऐसा होगा, हाँ जी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर। अच्छा, यानी मैक्स का प्रयोग आप करोगे? बिल्कुल करेंगे। अच्छा सर, कई बार क्या होता है जो दिसंबर के महीने में ना धुंध बहुत ज़्यादा गिरने लगती है, मौसम साफ नहीं रहता, तो उस टाइम क्या होता है मैक्स का रिजल्ट है वो आपको 100% ना मिल के 70-80% मिलता है और हो सकता है 60-70 दिन के बाद आपको कोई गुली डंडे के लिए एक हल्का फुल्का स्प्रे और भी करना पड़े। क्या आप फिर भी मैक्स का इस्तेमाल करोगे? देखो सर, मैं तुम्हें ये बताता हूँ भी, मैंने, हाँ जी, जो सिजेंटा की एक्सीएल है या बायर की अटलांटस है, हाँ जी, मैंने 2-3 साल हो गए ये स्प्रे कर देने। अच्छा जी, फिर भी 10-20% मतलब के
ਮਗਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ 600-650-700 ਕੇ ਰੇਂਜ ਮੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਪਰੇ ਕੀਆ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾ ਹਲਕੀ ਸਪਰੇ ਕਰਨੀ ਪੜਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਹਮ ਮਿਕਸ ਕਰੇਗੇ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਸਪਰੇ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ ਤੋ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ ਸਰ। ਯਾਨੀ ਆਪ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੇਂਗੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਕਾ, ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਪਲੋਟ ਪੇ ਆਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਸਾਂਝਾ ਕੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।